स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कई महीनों से कार्तिक और नायरा की केमिस्ट्री पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ हफ्तों से इस शो को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है उससे साफ है कि ये ट्रैक अब ऑडियंस को कुछ खास रास नहीं आ रहा। ऐसे में अब मेकर्स ने बड़ा फैसला किया है। वह जैसा कि हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में ये बता ही चुके हैं कि आने वाले दिनों में शो में चार पुराने कैरेक्टर्स की एंट्री होगी और उन्हीं एंट्रीज में से एक होगी गायू की एंट्री, जिसके बाद कहानी में दिलचस्प मोड़ आएगा। सुनने में आ रहा है कि गायू की एंट्री कार्तिक और नायरा की जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगी। आपको बता दें कि पहले तो इस किरदार को एक्ट्रेस कांची सिंह निभा रही थी, लेकिन कुछ वक्त पहले ही कांची ने इस शो को अलविदा कहा था और अब ऐसी भी खबर है कि वो शो में नहीं लौटेंगी। तो ऐसे में अब आप यही सोच रहे होंगे कि अगर गायू के रोल को कांची नहीं अदा करेंगी तो भला इस रोल में अब कौन सी हसीना नजर आएगी, आखिर कौन बनेगी नई गायू। तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम ढूंढ कर लाए हैं। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट की माने तो गायू के रोल के लिए मेकर्स ने एक्ट्रेस देवलीना चटर्जी को कास्ट किया है। जी हाँ, देवलीना चटर्जी जो पहले भी कई टीवी सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। हालांकि आपको बता दें कि देवलीना के शो में होने न होने पर अभी तक कुछ भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन शो से जुड़े सूत्रों की माने तो ये पक्की खबर है कि कांची को शो में देवलीना ही रिप्लेस करने वाली हैं, जो अब नई गायू बनकर शो में एंटर करेंगी। तो अब देखना रहेगा कि ये नई गायू कैसे कार्तिक और नायरा की जिंदगी में बवाल मचाएगी।